हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस और टेंसों के क्रम में। आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य के भूतकाल में निरंतर जारी रहने का बोध होता है। बच्चों में एक कन्फ्यूज़न आता है कि पीछे पास्ट कंटीन्यूअस में भी तो यही होता था, वहाँ भी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते थे, और यहाँ भी अंत में रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ है जो दोनों वाक्यों में अंतर पैदा करती है, वो है ड्यूरेशन। कार्य होने का जो ड्यूरेशन है, टाइम अवधि जो है, वो दी होती है इन वाक्यों में, और जो कार्य जारी होने की अवधि होती है, वही अवधि इस टेंस के वाक्यों को अलग करती है पास्ट कंटीन्यूअस के टेंसों से। तो पहचान हम देखते हैं कि इनके अंत में आएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे ही, लेकिन कार्य के निरंतर जारी रहने का बोध होता है, और मेन चीज कार्य जारी होने की अवधि दी होती है, और वही अवधि इस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस से अलग करती। तो जैसे कि सभी टेंस चार भागों में बांटा गया था पिछले टेंसों को, तो ये टेंस भी चार भागों में विभाजित है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, कर्ता, उसके बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। चाहे कर्ता सिंगुलर नाउन का हो, चाहे कर्ता प्लूरल नाउन का हो, सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की जो मेन फॉर्म है उस मेन फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आता हमारा सिंस या फार, और फिर टाइम। तो सिंस फार, बच्चों अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कहाँ पे सिंस यूज करें और कहाँ पे फार। तो सिंस फार के लिए हम नोट लिखे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं निश्चित समय। जब वाक्य में कार्य जारी होने का निश्चित समय दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, वैसी कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और कब बच्चे समझते हैं कि सिंस का प्रयोग कब होगा और किन स्थानों पे होगा? तो जैसे पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, कार्य जारी होने की अवधि, मतलब कार्य कब से जारी हो रहा, जब वो अवधि दी होती है उस अवधि को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे रविवार से कोई भी दिन का नाम हो कार्य जारी होने का, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन का नाम हो, कोई भी महीने का नाम हो, और एग्जैक्ट सन, जैसे 1920, 1917, कोई भी सन दिया होगा, कोई भी महीने का नाम दिया होगा, कोई भी दिन का नाम दिया होगा, या एग्जैक्ट ओ क्लॉक का समय दिया गया होगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो इन चीजों के होने पर हम वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं अनिश्चित समय को, जब कार्य का जारी होने का अनिश्चित समय दिया हो, अर्थात एग्जैक्ट समय ना दिया हो कि काम कब से चल रहा है, बल्कि यहां पे रह के कहा गया हो कि कार्य 3 दिनों से हो रहा है, 5 महीने से हो रहा है, 4 घंटे से चल रहा है, जब कार्य की अवधि दी जाती है उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? फार का। किन स्थानों पे? जैसे दिया गया 4 घंटे से, कोई काम जारी है और उसकी अवधि 4 घंटे दे दी गई, 5 घंटे से, 6 घंटे से, उस कंडीशन में हम फार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह कब हमको सिंस का प्रयोग करना है और कब हमको फार का प्रयोग करना है। तो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव के, अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है, मैं 4 घंटे से काम कर रहा था। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां कौन है? आई।
और सब्जेक्ट हमने बताया था चाहे जैसा हो, चाहे सिंगुलर नाउन का हो या प्लूरल का, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन चलेगी। तो आई हैड बीन 4 घंटे से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। अब देखना है कितने समय से कार्य चल रहा है। 4 घंटे से, 4 आवर्स, ना कि 4 बजे से। अगर 4 बजे से होता तो यहां हम यूज करते सिंस, लेकिन बजे ना हो करके कार्य जारी रहने की अवधि गई है कि कब से चल रहा है, तो 4 घंटे से। तो 4 घंटे के लिए हम यूज करेंगे वर्किंग फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 6 बजे से सो रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन, और वर्ब है यहां सोना, ही हैड बीन स्लीप। तो ये तो मेन वर्ब हुई, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी हमें ऐड करना। ही हैड बीन स्लीपिंग, और 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock, वो 6 बजे से सो रहा था। हम दिल्ली में सन 1990 से रह रहे थे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या है, वी, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैड बीन। वी हैड बीन लिविंग, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, और सन 1990। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 1990। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, आई हैड बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। यहां वर्ब क्या है, याद करना। आई हैड बीन लर्निंग, और क्या, अपना लेसन, माई लेसन, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए अफर्मेटिव के, और अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंसों में पहचान वही रहेगी, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, तथा कार्य के भूतकाल में निरंतर जारी रहने का बोध होगा, और कार्य जारी होने की अवधि दी जाएगी। तो सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन चलती थी, तो निगेटिव के लिए हैड के बाद और बीन से पहले हम नॉट यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर सिंस या फार, और उसके बाद टाइम। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, इनको देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे। तो ट्रांसलेट करना हमको, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट यहां पे क्या है, किसान। तो द फार्मर्स, द फार्मर्स, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और चूंकि नहीं जोत रहे थे तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन टिलिंग,
हैड नॉट बीन टिलिंग द फील्ड्स, और क्या नहीं जोत रहे थे, खेत, फील्ड्स, और कब से, सुबह से, और सुबह किस में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बढ़ई दो दिन से कुर्सी नहीं बना रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या हमारा, यहां हमारा सब्जेक्ट है बढ़ई अर्थात द कारपेंटर, द कार, द कारपेंटर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन मेकिंग, हैड नॉट बीन मेकिंग द चेयर और कब से, दो दिन से, फॉर टू डेज, फॉर टू डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सरला दो घंटे से अपना कार्य नहीं कर रही थी। सब्जेक्ट हमारा होगा सरला, सरला हेल्पिंग वर्ब सरला हैड नॉट बीन, सरला हैड नॉट बीन, अब वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो आईएनजी वर्ब यहां क्या है, करना, डू, सरला हैड नॉट बीन, डू के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, सरला हैड नॉट बीन डूइंग, और क्या नहीं कर रही थी, हर वर्क, कब से, दो घंटे से, तो दो घंटे से, ये जो दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, ये समय जो होता है ये आता है पीरियड ऑफ टाइम में, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर, हर वर्क फॉर टू आवर्स। तो ये तो कुछ एग्जांपल हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के निगेटिव के। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं वो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे और कार्य जारी होने की अवधि गई होगी। ये तो हुए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, अर्थात अगर सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश ना लिख करके जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब से ही हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो अगर सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो उसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद फिर बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हैड के बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन यूज होगा, और उसके बाद वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ सेंटेंस निगेटिव भी है, तब उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ना होकर के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, और उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड,
फिर हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर बीन आएगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर में दिया गया। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप दोनों सेंटेंसों को हम एक साथ बता रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो यहाँ दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है तो हमको कुछ नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर से पहले सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड उसमें और ऐड कर देना है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर चलेगा। किसके लिए? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, क्या मैं 4 घंटे से कार्य नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है सेंटेंस या सेकेंड टाइप का है। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, अतः ये दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, हैड। इसके बाद आता हमारा सब्जेक्ट, इस वाक्य में कार्य करने वाला कौन है अर्थात सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो हैड आई, और चूंकि यहां पे नहीं भी आया है, क्या मैं 4 घंटे से कार्य नहीं कर रहा था, तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ साथ इंट्रोगेटिव के निगेटिव भी है। तो हैड आई नॉट, हैड आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होना था, और उसके बाद बीन, हैड आई नॉट बीन। अब वर्ब के साथ हमको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, और वर्ब यहां क्या है? कार्य करना अर्थात वर्क। हैड आई नॉट बीन वर्किंग, अब देखना है हमको ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इस सेंटेंस में। तो हैड आई नॉट बीन वर्किंग, अब कितनी देर से, ड्यूरेशन देखना हमको कि समय की ड्यूरेशन क्या दी गई है। तो यहाँ 4 घंटे से, अगर 4 बजे से होता तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, लेकिन यहाँ 4 घंटे से है, और 4 घंटे 6 घंटे ये सब आता है पीरियड ऑफ टाइम में। तो हैड आई नॉट बीन वर्किंग फॉर कितने समय से? 4 घंटे से। तो फॉर 4 hours, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हैड आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 hours, क्या मैं 4 घंटे से कार्य नहीं कर रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वे सुबह से कहां खेल रहे थे। तो यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है कहां, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कहां, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड अर्थात वेयर, और उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है। तो वेयर हैड, हेयर हैड। अब हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? वे। हेयर हैड दे, फिर बीन, हेयर हैड दे बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, हेयर हैड दे बीन प्लेइंग। अब कब से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं यहां, सिंस या फॉर में से हम क्या यूज करेंगे उसके लिए हमको देखना होगा कि जो ड्यूरेशन दी गई है वो पॉइंट ऑफ टाइम में है या पीरियड ऑफ टाइम में। तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय अर्थात सुबह से, और सुबह शाम ये सब किस में आते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम में। तो प्लेइंग सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से कहां खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे। तो यहां भी इंट्रोगेटिव है सेकेंड टाइप, क्योंकि यहां क्वेश्चन वर्ड क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्या।
तो व्हाट व्हाट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैड। अब हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां क्या है हमारा? तुम। हेयर हैड, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। डू मीन्स करना, डूइंग डूइंग। और फिर देखना है सोमवार से, तो कोई भी सुबह हो या दिन का नाम हो परफेक्ट, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे पॉइंट आप टाइम में ही आते हैं। सिंस मंडे, सिंस मंडे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। तो सोमवार से तुम क्या कर रहे थे। और लास्ट एग्जाम्पल है, क्या वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब चूंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। तो सबसे पहले क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, जो कि हमारी है हैड। ही हैड ही बीन, हैड ही बीन। अब आता है हमारा बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो हैड ही बीन, और वर्ब हमारी क्या है? खेल रहा। तो हैड ही बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, और कब से? 3 घंटे से। फॉर 3 hours क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो इस तरह आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।